गोटेगांव नगर में 23 और 24 जून को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की प्रेरणा से जितेन राज जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष जलपुर द्वारा रोजगार कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। पारस मैरिज गार्डन में आयोजित इस रोजगार कुंभ में बड़ी संख्या में युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की सामाजिक पहल की गई है। आपको बता दें कि गोटेगांव और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पढ़ी लिखी प्रतिभाएं हैं जो एक उचित अवसर या यूं कहें कि रोजगार की तलाश में है और उन्हें इस दिशा में समुचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए आयोजित रोजगार कुंभ में करियर काउंसलिंग और एस्पिरेशन मैपिंग, फ्री प्लेसमेंट और साक्षात्कार तैयारियां, निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों में रोजगार अवसर, साथ ही रोजगार उन्मुखी कौशल विकास और प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे। गोटेगांव नगर में जितेन राज जौलपुर युवक कांग्रेस अध्यक्ष और संयोजक रोजगार कुंभ, संजय अहिरवार विधायक प्रतिनिधि लखन गंगोरिया जौलपुर, हेमंत नंदोनिया संयोजक के साथ ही आशीष राय महासचिव नगर कांग्रेस गोटेगांव द्वारा बताया गया कि इस रोजगार कुंभ में अब तक 1000 से अधिक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और 1500 से अधिक फॉर्म ऑफलाइन भरे गए हैं। उन्होंने बताया कि सामाजिक एक्टिविटी के तहत इस आयोजन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां गोदरेज, LG, PTM, महिंद्रा जैसी 25 से अधिक कंपनियों के GM उपस्थित होंगे जो चयनित उम्मीदवारों को अपनी कंपनी में रोजगार प्रदान करने के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। आगामी 23 और 24 जून को पारस मैरिज गार्डन में एक रोजगार कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से मैं गोटेगांव क्षेत्र के समस्त छात्र छात्राओं से ये निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हों और जो फॉर्म नहीं भर पाया है वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हों। 23 को काउंसलिंग होगी और 24 को हम सबको ज्वाइनिंग लेटर देकर उनको करियर की दिशा में एक नई सफलता की राह दिखाएंगे। आपके माध्यम से मैं सभी छात्रों को बोलता हूं कि वो यहां पर आएँ। ये कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है, ये कांग्रेस पार्टी के संगठन के बैनर तले किया जा रहा है और यहां पर छात्र छात्रा आएंगे तो निश्चित तौर पर लाभान्वित होके ही जाएंगे। गोटेगांव से अनिल जैन की रिपोर्ट।